हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के अंदर जाने से डरते हैं लोग। आपने कई गुफाएं तो देखी होंगी, विशाल और खूबसूरत गुफाएं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत गुफा के बारे में सुना है? ये आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। इस गुफा के देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वियतनाम के सन डुंग गुफा को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने का दर्जा हासिल है। इसे सबसे विशाल गुफा कहने के साथ साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत गुफा भी कहना गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा को एक किसान ने 1991 के आसपास खोजा था। आज हम आपको ले चलते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा के सैर पर। यह गुफा वियतनाम के जंगलों के बीच में स्थित है। यह गुफा सन डुंग के नाम से जानी जाती है। इसकी खोज 1991 में हो खान नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन पानी की भयंकर गर्जना एवं अंधेरे के कारण किसी की भी गुफा में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कई सालों तक ये दुनिया की नज़रों से ओझल ही रही। इस गुफा के अंदर की दुनिया इसकी खोज के 18 सालों तक यानी 2009 तक लोगों के लिए अनजान रही। सन 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने एक अभियान चलाकर इसके अंदर की झलक दुनिया को दिखलाई। यह अभियान 10 से 14 अप्रैल 2009 के बीच चला था, लेकिन उनका अभियान बीच में ही एक बहुत बड़ी दीवार के कारण रुक गया था। इस गुफा से निकासी का रास्ता 2010 में खोजा गया, जब एक दल ने उस 200 मीटर ऊंची दीवार को पार किया। उन्होंने पाया कि यह गुफा वियतनाम की पिछली सबसे बड़ी गुफा से 5 गुना तथा विश्व की तब तक की सबसे बड़ी गुफा मलेशिया की डियर कैप से 2 गुना बड़ी है। इस गुफा का कुछ हिस्सा ऊपर से टूटा हुआ है, जहाँ एक छोटा सा जंगल है। यह गुफा 5.5 मील लंबी है। इस पूरी गुफा में एक गर्जना करती हुई नदी बहती है। इस गुफा में 300 मिलियन साल पुराने जीवाश्म भी मिले हैं। इस गुफा को 2009 में पहली बार टूरिस्ट के लिए खोला गया और एक टूर आयोजित किया गया, जिसमें कि 6 मेंबर थे, जो कि अब हर साल फरवरी से अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। गुफा के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट की संख्या बहुत कम रखी गई है। 2014 के लिए केवल 220 टूरिस्ट की लिमिट है।